बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे C++ प्रोग्रामिंग में लूपिंग के कंसेप्ट, व्हाट इज मीन बाय लूप्स। C++ में या किसी और लैंग्वेज में जो है लूप जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? अ लूप इज एन इंस्ट्रक्शन, अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स रिपीटेडली टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स और अंटिल सम टर्मिनेटिंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अगर हम किसी काम को इंस्ट्रक्शन को या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, रिपीटेडली हमें रिक्वायर्ड होता है इसकी एग्जीक्यूशन, तो वो काम हम एक लूप में कर देते हैं। ठीक है जी, तो फिर हमारे पास मुख्तलिफ लूप्स है, फॉर लूप है, नेस्टेड फॉर लूप है, वाइल डू वाइल एंड सो ऑन। तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मोस्ट सिंपल एंड फर्स्ट वन लूप है वो है फॉर लूप। तो आज की क्लास में हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें फॉर लूप का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अच्छा जी, तो आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की तरफ। तो हमारे प्रोग्राम में क्या होता है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होता है, फिर इसके बाद एक मेन फंक्शन होता है और फिर हमारे प्रोग्राम का बॉडी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज को इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है जी, हैश इंक्लूड conio.h। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ड नेम हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है जी, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आज की क्लास में जो चूंकि हम क्या करते हैं फॉर लूप के बारे में पढ़ते हैं, तो हम एक इंटीजर जो है डिक्लेयर कर देते हैं, एक वेरिएबल है, इसका टाइप क्या है, इंटीजर है, तो टाइप इसका इंटीजर है। फॉर लूप का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हम फॉर लिख लेते हैं, फिर पेरेंथेसिस लिख लेते हैं, फिर हम लिख लेते हैं C = 1। अच्छा जी, C = 1, C < or = 10, क्या कर लो, C:C++। तो ये जो फॉर के बाद पेरेंथेसिस में, पेरेंथेसिस के बाद हमने लिख लिया C = 1, इसे कहते हैं इनिशियलाइजर। इनिशियलाइजर का क्या काम होता है, जो हमारी लूप में फर्स्ट ऑफ ऑल C = 1 लिखता है इसे इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइज कहा जाता है। तो इनिशियलाइजर का ये काम होता है कि हमारा जो वेरिएबल्स है इसे इनिशियलाइज कर देता है। ठीक है, हम एक वैल्यू देता है कि हमारा स्टार्टअप जो है या हमारा इनिशियलाइजेशन यहाँ से कर लो। ठीक है, तो इधर हमने इस और अपने वेरिएबल को जो है किस चीज से इनिशियलाइज कर दिया, 1 से। फिर इसके बाद लिखा है C < or = 10। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है अगर सी 1 से इनिशियलाइज हो जाता है तो तब तक जाएगा C < or = 10। इसे कंडीशन कहते हैं कि अगर ये कंडीशन जब तक मतलब हो, C < or = 10, जब तक ये कंडीशन ट्रू हो तो आप क्या करते जाओ, नेक्स्ट जो स्टेप है एक्सप्रेशन, इसको जो है करते जाओ। एक्सप्रेशन में क्या है, C++। C++ का मतलब है कि इसको जो है एक इंक्रीज कर लो। C++ मतलब C = C+1। ठीक है जी, ऐसे हम क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और अगर इसके बजाय हम C- लिख देते हैं, डिक्रीमेंट क्या ऑपरेटर। ठीक है जी, अच्छा, तो इसके बाद हम आते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शंस। ये बॉडी ऑफ द फंक्शन क्या होता है, सी आउट कर लो, हमारे पास क्या सी में क्या स्टोर है, सी में हमारे पास ये वैल्यू होगा। ठीक है जी, और क्या कर लो, इसमें जो है एक टैब का स्पेस दे दो, बैक स्लैश टी क्या कर देता है, एक टैब का स्पेस
क्रिएट करता है। गेट सीएच कर लो, ठीक है जी, एंटर कर लो, क्लोज द मेन फंक्शन बॉडी, ठीक है जी। जो हमारे पास मेन फंक्शन था वर्ड में, इसकी बॉडी हमने क्लोज कर दी। अब Alt F9 के थ्रू आप इसमें एरर चेक करते हैं, एंड कंट्रोल F9 के थ्रू क्या कर देते हैं, आप अपना प्रोग्राम रन या कंपाइल कर सकते हैं। तो ये जो है वन से इनिशियलाइज हो जाता है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 10। हमारे पास जो है क्या कर देते हैं, नंबर इंटीजर नंबर राइट कर देते हैं, और इसके दरमियान में बैक स्लैश टी की बाय यूजिंग बैक स्लैश टी हमने क्या कर दिया, एक स्पेस एक टैब का स्पेस क्रिएट किया है, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप दोबारा इसे रन कर देते हो तो ये प्रीवियस रिजल्ट भी होता है और नया रिजल्ट भी जनरेट हो गया, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो प्रीवियस रिजल्ट हो ये क्लियर हो जाए, तो क्या कर लो, इधर आप क्लियर स्क्रीन लगा लो। क्लियर स्क्रीन का क्या काम होता है, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस रिजल्ट होता है ये क्लियर कर देता है आपकी स्क्रीन को, ये देख लो, ठीक है। ये अब जितनी बार भी आप एग्जीक्यूट कर देते हो तो ये आपको वही नया रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा और वही पुरानी चीज क्या कर देगा, स्क्रीन क्लियर कर देगा। अच्छा जी, तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें हमने पढ़ लिया अबाउट लूपिंग। लूपिंग में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो लूप था वो है फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर जो है फिर 3 मॉड्यूल्स हमने पढ़ लिए। सी इज इक्वल टू 1 को हम इनिशियलाइजर कहते हैं, फिर सी लेस देन और इक्वल टू 10 को हम क्या कहेंगे, कंडीशन जो, और इसके बाद लास्ट में लिखा है सी प्लस प्लस, इसे क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। और फिर इस स्टेटमेंट या फिर इसी लाइन के बाद जो सेंटेंसेस या जो लाइन होगा इसे हम क्या कहेंगे, बॉडी ऑफ द लूप। क्योंकि इधर हमारे पास बॉडी ऑफ द लूप लूप सिर्फ एक सेंटेंस है, ठीक है, एक लाइन है, तो इधर हम जो है ब्रेसेस नहीं लगाते। अगर इफ फॉर एग्जांपल हमारे पास मोर देन किया था वन लाइन था, तो फिर हम इधर अपने प्रोग्रामिंग में जो है इसकी बाकायदा क्या कर देते हैं, बॉडी डिफाइन कर देते हैं। तो अगर आप अब भी अपने प्रोग्राम को रन कर लो तो इसका रिजल्ट वही सेम होगा, ये आप लोग देख लो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जो है नंबर ऑफ स्टेटमेंट 1 हो तो फिर आपकी आपको जो है ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अच्छा ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था फॉर लूप पे, इसलिए जो है आप लोग देख लो, और इसमें इंशाल्लाह इसके बाद जो लूप्स आते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक।